हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंश्योरेंस सेल्स के तीन इम्पॉर्टेंट नंबर के बारे में बताऊंगी। इन तीन नंबर्स को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये नंबर है 17330 17330। आप सोच रहे होंगे कि तीन नंबर ही क्यों, क्या इम्पॉर्टेंट है इन नंबर में, क्या खास है इन नंबर में, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेल्स के लिए। तो आइए इन नंबर के पीछे की सारी थ्योरी को आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 17 नंबर की। यहाँ पे 17 नंबर मतलब 17 सेकंड है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ 17 सेकंड में सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनता है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि एक एवरेज आदमी का एवरेज अटेंशन टाइम 17 सेकंड का ही होता है। 17 सेकंड के अंदर आपको अपने सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालना होगा। अगर आप 17 सेकंड के अंदर कुछ खास बात नहीं करते हैं या आप सामने वाले का अटेंशन नहीं ले पाते हैं तो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। आपने ज़्यादातर ऐड देखे होंगे, उसमें भी यही कंसेप्ट होता है। वो 17 सेकंड में ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं ताकि आप उस ऐड को लास्ट तक देखें या बार बार देखें। इसीलिए ये पहला 17 सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने क्लाइंट से मिलने से पहले एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप जब उनसे मिलें तो किस तरीके से उनसे बातें करें ताकि वो आपकी बात में दिलचस्पी लें और आपकी बात को पूरा सुने। यहाँ पे आप कुछ सवाल भी उनसे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि क्या आप अपने बच्चों की फॉरेन एजुकेशन कराना चाहते हैं और उसके लिए 25 लाख रुपए पाना चाहते हैं। तो इस तरीके के सवाल पूछ के भी क्लाइंट आपकी बातों में इंटरेस्ट ले सकता है। आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या सिर्फ 100 रुपये की बचत पर 1 लाख की पेंशन, वो भी सरकार की गारंटी वाली, क्या आप चाहते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने लिए LIC का ई-फ्लैट चाहते हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने होंगे और 8,000 रुपये की मासिक किश्त देनी होगी। तो चलिए आते हैं अपने अगले नंबर पर, नंबर 3। 3 नंबर का मतलब है 3 मिनट। इन 3 मिनट में आप अपने क्लाइंट को अपने प्लान की हिंट देकर 30 मिनट का अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। याद रहे, तुरंत कुछ ना बताएं। अपनी बात को सिर्फ 3 मिनट के अंदर फ़ोन पर या आमने सामने बात करके 30 मिनट का अपॉइंटमेंट लें और तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें। और अगर आप सामने आमने सामने बात कर रहे हो तो 3 मिनट बाद खुद उठकर वहां से चले जाएं। इन 3 मिनट में क्लाइंट 30 मिनट का अपॉइंटमेंट देता है और आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपनी बात को बंद करना है, जिससे क्लाइंट पर 2 इफ़ेक्ट होंगे। वो पहला, वो आपके प्लान के बारे में सोचेगा, वो आपके प्लान को अगले दिन और ध्यान से सुनेगा। और दूसरा, आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में ज़्यादा बढ़ती है। उसको एहसास होना चाहिए कि आप बहुत बिजी इंसान हो और आपने बहुत मुश्किल से उनके लिए टाइम लगा निकाला है। लोग भी उसी शॉप से सामान लेते हैं जहाँ भीड़ होती है। खाली दुकान पर कोई भी सामान लेना पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन आपने उनसे पहली मीटिंग में पूछे थे, उनके अकॉर्डिंग आप उनसे प्लान के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो पेंशन प्लान हो, चाइल्ड प्लान हो या एजुकेशन प्लान हो। आपको अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रेजेंटेशन को सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, दोनों में ले जाएं। इससे उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और याद रखिए, 30 मिनट में आपको हर चीज़ को अच्छे से बताएं, क्लाइंट को उनके लाभ के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में बताएं। अगर ये 30 मिनट भी आपने अच्छे से यूज़ कर लिए तो आपकी सेल ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी सेल को ओपन करने से पहले ध्यान रखिए 17330 वाला रूल, जिसमें 17 सेकंड तो आपको बहुत अटेंशन देनी है, 3 मिनट के लिए आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी है और 30 मिनट में आपको अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट सेल्स। और अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।